हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और आज की इस वीडियो में लेके आए हूँ पोको और ओप्पो का दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है पोको C3 और दूसरा स्मार्टफोन ओप्पो A11 के। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नज़र डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, और बात करेंगे दोनों मोबाइल के प्राइस की और देखेंगे कौन सा मोबाइल आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लिया है। शुरुआत करते हैं रियलमी C3 से। सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है, फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं साइड में। अंदर एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसके बैक साइड में आपको सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिया गया है। वहीं नजर डालें ओप्पो A11K पर तो इसमें सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको मिलती है सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ में मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल इसे भी रख लेते हैं साइड में। और ये है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले चार्जर अडाप्टर। दोनों ही मोबाइल में आपको मिलते हैं 10 वॉट के नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और USB केबल दोनों ही मोबाइल में आपको माइक्रो USB केबल मिलती है। ओप्पो में आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी की केबल मिलती है जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। साइज में हम डिफरेंट देख सकते हैं, ओप्पो A11K छोटा है पोको C3 से। दोनों ही मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। ओप्पो A11K में आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है, पोको C3 में आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी आप मोबाइल परचेज करो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम चढ़ा लीजिए, स्क्रैचेस आने के काफी चांस बने रहते हैं। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक। दोनों ही मोबाइल में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है। पोको C3 में डबल डिजाइन आपको देखने को मिलता है, ऊपर की साइड मैट फिनिश और नीचे की साइड रफ फिनिश दिया गया है जिस पर लाइनिंग पड़ी हुई है और इस पर स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। वहीं ओप्पो A11K में भी आपको बैक साइड में रफ फिनिश मिलती है और यहाँ भी स्क्रैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, साथ ही ग्रिप अच्छी बनी रहती है। दोनों मोबाइल के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो पोको C3 में आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं जिसमें मेन कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। साथ ही पोको की ब्रांडिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है और फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और बात करें ओप्पो A11K की तो इसमें आपको रियर में डुअल कैमरा मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल के, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर विद LED फ्लैशलाइट, साथ ही आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जबकि पोको C3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर इसमें भी मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। पोको C3 में आपको राइट साइड में पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं, ओप्पो A11K में आपको पावर ऑन की मिलती है। ऊपर की साइड नजर डालें तो पोको C3 में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, ओप्पो में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको दोनों मोबाइल में सिम ट्रे दी गई है जहां पर आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। ओप्पो A11K में आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। मोबाइल के नीचे की साइड नजर डालें तो दोनों ही मोबाइल में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और मीडिया स्पीकर एक साथ मिल जाता है। ओप्पो A11K में आपको हेडफोन जैक नीचे की साइड दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस दोनों की कर दी है फुल। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में पोको C3 में आपको ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलती है जबकि ओप्पो A11K में आपको स्क्रीन ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं दोनों मोबाइल का यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर सारी की सारी एप्स यहां आपको देखने को मिल जाती है। कुछ ऐप दोनों में आपको प्री इंस्टॉल मिलती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की। तो पोको C3 में आपको 6.53 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है, एस्पेक्ट रेशो 20:9 का, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की आपको इसमें मिलती है। वहीं बात करें ओप्पो A11K की तो इसमें आपको 6.22 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है, एस्पेक्ट रेशो 19:9 का, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1520 पिक्सल का, पिक्सल
इंटेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें मिलती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। वहीं नजर डाले सेटिंग में, सबसे पहले पोको C3 की हम सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है MIUI वर्जन 12.0.1 का, एंड्रॉइड वर्जन 10Q। ऑल स्पेसिफिकेशन में देखें तो ये है 3GB वेरिएंट, इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से लगभग 21GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, और एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप इसमें 512GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 512GB तक का मेमोरी कार्ड आप इस पे लगा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो 2.30GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है। चिपसेट MediaTek Helio G35 का आपको इसमें मिलता है। और नजर डालें Oppo A11K की सेटिंग में, तो यहाँ हम सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। स्क्रॉल करने पर आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलेगा, इसमें हमें कलर OS वर्जन 6.1.2 का दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन 9 Pie मिलता है, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 सितंबर 2020 का है। प्रोसेसर आपको इसमें भी 2.3GHz का ऑक्टा कोर मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio P35 का दिया गया है, यानी कि इसमें आपको G35 मिलता है और इसमें आपको P35 लगभग एक जैसे प्रोसेसर है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आपको G35 मिलता है। और इसमें आपको रैम मिलती है 2GB, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से लगभग 18GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, और इसमें आप 256GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और अब एक छोटी सी नजर दोनों मोबाइल के रियर कैमरा पे डालें तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। लाइटिंग थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलती है ओप्पो A11K में, तो यहाँ पर हम जूम करके देखें तो पोको C3 में आप पूरा 10x तक जूम कर सकते हैं, और ओप्पो A11K में कर सकते हैं हम पूरा 6x तक जूम। तो देखिए ये 6 गुना जूम और ये 10 गुना जूम, क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वहीं दोनों मोबाइल के फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी लाइटिंग ज़्यादा आपको ओप्पो A11K में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बेस्ट कैमरा यहाँ पर ओप्पो A11K का लग रहा है। बाकी कैमरा में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है फ्रंट में भी और बैक में भी। मोर में देखें यहाँ पर तो मोर में यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो टाइम लैप्स का ऑप्शन पोको C3 में मिल जाता है, और ओप्पो A11K में आपको पैनोरमा एक्सपर्ट टाइम लैप्स और स्टिकर्स ऑप्शन दिए गए हैं। और अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के हाइट की, तो पोको C3 में आपको मिलती है 164.9mm की हाइट, ओप्पो A11K में मिलती है आपको 155.9mm की हाइट। थिकनेस आपको 9mm की मिलती है पोको C3 में और 8.3mm की आपको मिलती है ओप्पो A11K में, यानी कि स्लिम फोन है ओप्पो A11K पोको C3 से। और बात करें दोनों मोबाइल के वेट की, पोको C3 194g का है और ओप्पो A11K है 165g का। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी आपको पोको C3 में मिलती है और ओप्पो A11K में आपको 4230mAh की बैटरी दी गई है। अब हमने छोटी मोटी बात तो जान ली, अब बात आती है प्राइस की। तो पोको C3 आपको ओनली 7500 rupees में मिलता है, वहीं ओप्पो A11K आपको 1000 rupees ऊपर यानी कि 8500 rupees में मिलता है, जबकि इसमें आपको 2GB रैम और इसमें आपको 3GB की रैम मिलती है। तो फ्रेंड्स आप बताइए दोनों मोबाइल में से आप कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहोगे। सबसे पहले बात आती है पसंद की, अगर आप ओप्पो यूजर हैं और ओप्पो आपको बेस्ट लगता है तो ओप्पो ही आपको ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपने ओप्पो यूज नहीं किया है तो आपको पोको C3 ही पसंद आएगा। 7500 rupees में इतने सारे फीचर्स आपको पोको C3 में मिल रहे हैं जितना आपको ओप्पो A11K नहीं दे रहा है। हालांकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फेस अनलॉक दोनों मोबाइल में आपको मिल जाता है। कवर आपको ओप्पो दे रहा है, पोको C3 आपको कवर नहीं दे रहा है, ना ही आपको इस पे स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिलता है। फिर भी आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा पोको C3, प्राइस भी कम और फीचर्स भी ज्यादा आपको इसमें मिल रहे हैं। बाकी कवर आप अलग से खरीद सकते हैं, बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।